एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ प्रियंका और आज है 23 अगस्त। तो आज आप में से कुछ लोगों ने आज भी जन्माष्टमी का व्रत किया होगा, लेकिन मैं अपनी जन्माष्टमी कल सेलिब्रेट करूँगी। मैं फास्ट भी कल करूँगी, मेरे बेटे की छुट्टी भी कल की है। तो यहाँ मैंने कई लोगों से पूछा तो भी वो भी कल का ही कर रहे हैं, लेकिन अगर नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो व्रत वैसे आज का ही है। लेकिन भाई हुआ ये था कि ये भी व्रत करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी व्रत रखते हैं, तो मैंने इनसे पूछा आने के बाद कि व्रत आज रखेंगे या कल। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आज तो नहीं, आज तो मैं चाय पी के आ गया हूँ, व्रत कल रखेंगे। तो ठीक है भाई, हम कल कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों का आज व्रत है तो उनको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आपकी जन्माष्टमी खुशियों से भरी हो, बहुत बहुत अच्छा त्यौहार जाए आपका। और जन्माष्टमी की बात करते करते ना एकदम से अभी मैं मतलब बैठी थी अकेली, तो जन्माष्टमी को याद करते करते दिमाग में बहुत सी बातें घूमना शुरू हो गई। फिर मुझे लगा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। होता क्या था पहले ना, अब तो इन चीज़ों का कोई शौक भी नहीं रहा, अब तो खुद बनाना है और खुद खाना है तो कुछ भी बनाओ और कुछ भी खाओ। लेकिन पहले ये होता था कि जब जन्माष्टमी होती थी ना, तो हमें भी आता था कि भाई हम भी व्रत करेंगे। लेकिन घर वालों को ये लगता था कि इतना लंबा व्रत बच्चे कैसे कर पाएंगे, तो मतलब वो करने नहीं देते थे और हमारी जिद होती थी कि हम व्रत करेंगे। मैं तो शिवरात्रि की भी बता रही हूँ, शिवरात्रि पे भी ऐसे ही होता था और जन्माष्टमी पे तो होता ही ये था, क्योंकि एक तो जन्माष्टमी का व्रत इतना लंबा हो जाता है और माँ बाप तो आप समझते ही हो, माँ बाप का प्यार तो होता ही अलग है। तो मेरे पापा तो हमेशा यही बोलते थे, हाँ कर ले, कोई बात नहीं, कर ले, दिन निकलने से पहले अपना रोटी खा ले, कोई बात नहीं है। फिर दोपहर का टाइम होता तो बोलते बहका दिया करते कि बेटा दोपहर की छूट होती है बच्चों की, एक साइड से खा सकते हैं, एक जड़ से खा ले, कुछ ना होता। और भाई हम धोखे में रोटी खा जाया करते और फिर खा पी के पूछ लिया करते, पापा मेरा व्रत नहीं टूटा ना, मम्मी मेरा व्रत नहीं टूटा ना। और हाँ भाई उस टाइम व्रत टूटा ही नहीं करता सच में, पूरे दिन का वही व्रत हो जाया करता खाते रहा करते और व्रत भी हो जाया करता। और एक और ट्रिक हुआ करती उनकी, क्या बोल देते कि जैसे ही व्रत का नाम सॉरी खाने का टाइम होता, व्रत की बात अगर हम अड़े होते व्रत वाली बात पे, तो फिर ये भी बोल दिया करते पैंडी, जो जो भाई गांव से देख रहे हैं उन्हें समझ आ रहा होगा पैंडी क्या होती है, मतलब कि एक स्लैब टाइप की हो जाती है जो दीवार में लगाई जाती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता रही हूँ, तो बोलते बेटा इसके नीचे बैठ के खा ले, पैंडी नीचे बैठ के खा ले, भगवान थोड़ी देखता है पैंडी नीचे है ना, व्रत ना टूटे, खा ले और हम ऐसे ही रोटी खा जाया करते। तो ये व्रत हुआ करता और अब तो वही ये है कि ना त्योहारों की इतनी रौनक होती और ना ज़्यादा चहल पहल, कुछ नहीं होता। हमारे वहाँ तो अब भी लेकिन ऐसा होता है, शादी को 4-5 साल हो गए हैं तो अब तो मैं नहीं जा पा रही हूँ जन्माष्टमी वगैरह पे, क्योंकि त्यौहार पे अपने घर ही मनाना अच्छा होता है, तो यहीं मैं अपने हर त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन पहले शादी से पहले जब हम वहाँ जाया करते, तो देखो हम जैसे ही दिन छिपना स्टार्ट हो जाया करता उस टाइम हम घर से निकल लिया करते, पूरा टोल बना के, सारे आसपास की सारी जितनी भी लेडीज़ होती थी वो सबके बच्चे और एक दो आस पड़ोस में से आदमी हो जाया करता साथ में, क्योंकि आप समझ सकते हो रात को माहौल थोड़ा ऐसा ही होता था। तभी हम तो छोटे छोटे थे लेकिन जाते थे, मतलब एक दो आदमी साथ चले जाया करते, और एक मंदिर से स्टार्ट करके पूरे मंदिर देख के आते थे हम कम से कम भी, है ना। और फिर बड़े 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 जो लोग हुआ करते उनको लगता था कि भाई थक गए चलो अब घर चलो, दो देख ली, तीन देख लिए, चलो अब घर चलो। और हमें यूँ रहता था हर साल, वो वाला नहीं देखा, चलो ना देवी मंदिर में, चलो ना, चलो हनुमान जी वाले में नहीं गए, चलो उसमें चलो ना। और वहाँ पे ना खूब अच्छे से मनाया भी जाता था, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मतलब त्यौहार ये जन्माष्टमी वाला मनाया जाता था, खूब सारी झांकियाँ होती थी, बच्चों को भगवान के रूप में बनाया जाता था। और कुछ मंदिर तो ऐसे होते थे जिनमें मतलब जब स्टार्ट किया था ना, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि जो रास्ता होता था मंदिर का उस पर बर्फ़ की सिल्लियाँ बिछा दी गई थी, तो एक दो साल तो हमें वही चीज़ इतनी नई सी लगती थी, हाई बर्फ़ बिछ रही है उस मंदिर में, चले उस मंदिर में भी देखने। और जब उस बर्फ़ पे से चला करते ना तो वो खुशियाँ लगी हुआ करती। और यहाँ का तो मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ ना मैं कभी गई हूँ ना इन्होंने कभी दिखाया है, और पता नहीं होता भी है या नहीं होता है, इनके यहाँ यहीं बैठे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक जागरण होता है शायद, है ना। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि झांकी वाकी तो शायद नहीं होती यहाँ पे, लेकिन हर एक मंदिर में कीर्तन जागरण इस तरह से होता ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। और ये सब तो
आप सबके वहाँ भी होता ही रहता होगा, तो जिस जिसके जहाँ जो भी होता है और आपकी जो भी बचपन से जुड़ी बातें हैं, जो भी बचपन से जुड़ी हुई यादें हैं, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे तो कुछ भी बात याद आती है, कुछ भी अच्छा फील होता है, कुछ भी, तो मैं फटाफट से आपके सामने बड़बड़ाना शुरू कर देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप भी इसी तरह अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो, और आपकी कमेंट सेक्शन ही है जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं मुझे, उनको पढ़ के तो बस है ना यार दिल बाग बाग हो जाता है। अभी तक तो टच वुड ऐसा कोई मेंबर मेरी फैमिली में नहीं है, मेरी YouTube फैमिली में, कि एक भी नेगेटिव कमेंट मुझे करे। तो आप सब लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत अपना सपोर्ट मुझे दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ के लिए और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो उस चीज़ के लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे वही होता है कि स्टार्टिंग में जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो एक एक करके ही हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और यूट्यूबर्स मुझे देख रहे हैं वो शायद समझ सकते हैं इस बात को, जो न्यू यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं, देखो समझना तो पुरानों को भी चाहिए, लेकिन होता अक्सर ये है कि पुराने उस लेवल पे जाके ना पिछली वाली बातों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो गलत है। जब हम उन लोगों को ही भूल जाएंगे के साथ ने जिनकी वजह से हम मिल के वहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर ऐसी कामयाबी किस काम की। तो अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, और दिल से शुक्रिया आपका, सच में दिल से शुक्रिया। तो जिस जिसने आज व्रत किया है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और जो कल करने वाला है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और कल मैं शेयर करूँगी आपके साथ निश्चय की कुछ प्यारी प्यारी सी फ़ोटो जो फर्स्ट जन्माष्टमी पे थी उसकी, तो फर्स्ट पे और सेकंड पे ही मैंने उसको कान्हा जी बनाया था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है यार उसमें है। तो ये बोल रहे हैं कि पता नहीं मेरे मेमोरी कार्ड में है या नहीं है, लेकिन अगर होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ज़रूर, क्योंकि एक मेमोरी कार्ड ना हमारा ख़राब हो गया था, तो उसके अंदर बहुत सारी फ़ोटो हमारी मिस हो गई थी। तो अगर होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको देख के वो कैसी लगी, और आप में से कौन कौन अपने बच्चे को कान्हा जी बनाने वाला है या फिर बचपन में बनाया करते। तो चलो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा एक बेल आइकन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कुछ लोगों को कि पता नहीं ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये सब ब्लॉगर सब यूट्यूबर, तो ऐसा इसलिए बोला जाता है सिर्फ मोटिवेशन के लिए, कि आपके लाइक से आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।